नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का सफल परीक्षण, ओशन सेट व 8 अन्य उपग्रहों को लक्षित कक्षाओं में सफलतापूर्वक पहुंचाया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट की ओर जाते वक्त जमीन पर गिर पड़े, हालांकि उन्हें चोट नहीं आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें सहारा देकर फौरन उठा लिया। कांग्रेस ने हादसे के लिए मध्य प्रदेश की सड़कों को ठहरा है जिम्मेदार। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की याचिका, जेल में नहीं मिलेगा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाना। गुजरात चुनाव में भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित आधा दर्जन मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रीय नेताओं ने किया प्रचार। 3 सप्ताह में लगभग 150 छोटी बड़ी चुनावी जनसभाएं। अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। पार्टी की सत्ता बरकरार रहने पर राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया। विवादास्पद आबकारी नीति मामले में CBI चार्जशीट में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, क्या भाजपा भी अपने किसी नेता के बारे में ऐसा कह सकती है। भाजपा नेता गौरव भाटिया का बड़ा बयान, अरविंद केजरीवाल राजनीतिक मोतियाबंद से ग्रस्त, आबकारी अन्य घोटालों के बावजूद खुद को दे रहे ईमानदारी का प्रमाण पत्र। बसपा प्रमुख मायावती का ट्वीट, देश में व्याप्त गरीबी व पिछड़ेपन के लाचार जीवन में महंगाई की मार, लोग हर दिन आटा, दाल, चावल व नमक तेल आदि के महंगे दाम को लेकर सरकार को कोसते रहते हैं, वह इसका जवाब देने व उपाय ढूंढने के बजाय ज्यादातर खामोश बनी रहती है। BSF के जवानों ने शनिवार को पंजाब के फिरोजपुर से एक पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद किया, 10 रुपए का एक पाकिस्तानी नोट और एक मोबाइल नंबर लिखा एक कागज गुब्बारे से संलग्न। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के सावरकुंडला विधानसभा क्षेत्र की चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस गुजरात चुनाव में हार मान चुकी है, दोनों भाई बहन चुनाव प्रचार से ही गायब। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को 14 दिन न्यायालय हिरासत में भेजा गया। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, अब नार्को टेस्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की डासना जेल में कैदी बने रेडियो जॉकी, पूरी कर रहे हैं साथी बंदियों की सुरीली फरमाइशें, जेल प्रशासन ने शुरू की है अनोखी पहल। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जंगल में मिला वागिन का शव, वन अधिकारी जयस चौहान ने बताया कि उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। गढ़ी वन परिक्षेत्र में मृत मिली वागिन की उम्र 5 साल बताई जा रही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री SR बोम्मई ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने पर दृढ़ता से विचार कर रही है सरकार। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्था बनाने और जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध कराने की मांग की। जम्मू और कश्मीर में SIA ने अनंतनाग में जमात ए इस्लामी की अवैध संपत्तियां जब्त की। SIA ने UAPA के तहत ये कार्रवाई की। PCB प्रमुख रमीज राजा के बयान पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत खेल जगत में बहुत बड़ी ताकत है, आज शायद कोई भी देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। रमीज राजा ने कहा था कि अगर भारत एशियाई कप के लिए नहीं आता है तो पाकिस्तान 2023 विश्व कप के लिए नहीं जाएगा। भारतीय मुक्केबाज विश्वनाथ, सुरेश वंशज और देविका घोरपड़े ने स्पेन ला नुसिया में चल रही IBA युवा पुरुष व महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। विश्वनाथन ने पुरुषों के 48 किलोग्राम वर्ग में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। दिलीप कुमार की 100वीं जयंती पर उनकी चुनिंदा फिल्में 10 और 11 दिसंबर को PVR में दिखाई जाएंगी। इनमें आन, देवदास, शक्ति, राम और श्याम शामिल। अभिनेता विक्रम गोखले का पुणे में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण हुआ निधन। उन्होंने कई हिंदी और मराठी फिल्म, नाटक और TV शो में किया था अभिनय। 2010 में रिलीज फिल्म आघात का किया था निर्देशन। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताज़ा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें वेब दुनिया। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।